नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। राज्य मदरसा शिक्षालय परिषद ने मदरसों के समय सारणी में बदलाव किया है। अब मदरसे 6 घंटे चलेंगे। मुस्लिम मौलवियों और मदरसे के छात्रों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन नए समय सारणी में नमाज दोपहर 2 बजे के लिए स्लॉट नहीं होने पर अपनी आपत्ति भी जताई है। इससे पहले मदरसे 5 घंटे तक चलेंगे। मदरसों के लिए सरकार की ये गाइडलाइन 1 अक्टूबर को लागू हो जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमरोहा की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर इब्दुल्ला शर्मा पर कड़ी कार्रवाई की है। उपमुख्यमंत्री ने जिले की उपमुख्यमंत्री चिकित्सा अधिकारी इंदु बाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दे दिया। बता दें कि डॉक्टर इंदु बाला पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 6 महीने तक बिना कार्यालय आए ही वेतन लिया है। इंदु बाला का 6 महीने तक कार्यालय में बिना आए ही रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर वेतन लेने का मामला डिप्टी सीएम के संज्ञान में आया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। इस मामले में तत्कालीन सीएमओ संजय अग्रवाल भी विभागीय जाँच के आदेश पाए गए। इसके अलावा लगातार वेतन बनाने वाले लिपिक संतोष कुमार पर भी विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बलरामपुर पहुंचे यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंडी समिति में सावित्री देवी बायो एनर्जी फार्मर प्रोडक्ट कंपनी की दुकान का उद्घाटन किया। जिले के तमाम विभागों द्वारा लगाए गए जागरूकता स्टॉल का निरीक्षण किया। कुछ ही देर में कलवारी गांव और जिला जेल के लिए भी रवाना हो चुकी है। मथुरा में सरकारी गाड़ियों का अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल सहायक नगर आयुक्त सरकारी गाड़ी में पालतू कुत्ता घुमा रहे हैं, जिसकी फोटो खींचने पर सहायक नगर आयुक्त ने पत्रकार के साथ जमकर बदसलूकी की और गाली गलौज की। हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चलता रहा। इन दिनों लंबी बीमारी रोग से ग्रसित गौवंश आए दिन दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बिजनौर सदर सीट की भाजपा विधायिका सूची चौधरी और उनके पति मौसम चौधरी ने लंपी बीमारी से पीड़ित पशुओं को बचाने के लिए बीड़ा उठा लिया है, और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता बीमार गौवंश के इलाज के बाद तबीयत में काफी हद तक सुधार होता जा रहा है। साथ ही विधायिका की इस पहल से बिजनौर के डीएम ने भी गौ रक्षा सेवा करने की तहे दिल से तारीफ की है। गिरनर सेवा नारायण सेवा संस्थान की तरफ से माननीय विधायिका जी और मौसम जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है लंपी सेंटर को संचालित करने का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अब विशेषकर वो पशु जो संक्रमित हो गए हैं, जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको इन लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक किया है। उनके खाने पाने की खाने पीने की व्यवस्था अच्छी करके, उनको अच्छी दवाइयाँ दे करके, और जो हमारे आयुर्वेदिक जो तरीके थे जैसे धुआँ देना, नीम की पत्ती का प्रयोग करना, उसका भी बहुत ही सफल ढंग से प्रयोग किया जा रहा है और बड़ा सफल है। इसको हम लोग जिले में अन्य जगहों पे भी इसको संचालित करेंगे। उसकी सूचना हमें दे, हम उसे यहाँ पर लाके उसकी सेवा करेंगे, उसकी दवाइयाँ कराएंगे, फिर उसे गौशाला में पहुँचवाएंगे। तीसरी बात, किसी भी किसान को अपने पशु को नहीं छोड़ना चाहिए। पशु भी परिवार का सदस्य है, और जो लोग अपने पशु को छोड़ देते हैं बछड़ा देख के या वृद्ध देख के, तो वो एक महापाप कर रहे हैं। किसान, सच्चा किसान वही है जो अपने पशु को अपने परिवार का सदस्य समझ के उसकी सेवा। गाजियाबाद में एक नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने नाबालिग बेटी को प्रेम प्रसंग के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह दी। इसके बाद 22 सितंबर को गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रह रहे बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस की हत्या का शक उनकी गोद में ली हुई नाबालिग बेटी पर हुआ। सुराग तलाशते हुए पुलिस ने नाबालिग बेटी को पकड़ा, वह उसका प्रेमी राहुल भी पकड़ा गया है। थाना क्षेत्र कौशाम्बी में सेक्टर 4 वैशाली एरिया में रहने वाले अनिल सक्सेना की 22/9/2022 को दिन में हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर सभी उच्चाधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां सभी छानबीन किया गया। छानबीन के आधार पर पता चला कि जो मृतक है उसकी नाबालिग बेटी और उसका प्रेमी, इनके खिलाफ हम लोगों को कुछ एविडेंस मिले। उस आधार पर हमारी करीब 3-4 टीमें उसी दिन से काम करने लगी। इसके बाद आज हम लोगों ने जो हत्या करने वाले हैं, जो मृतक की बेटी तथा उसका प्रेमी जिसका नाम राहुल है, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
अमेठी के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में परिवहन शाखा, स्टोर, बैरक की साफ सफाई, रखरखाव का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस लाइन मैनेजर को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पीलीभीत के न्यूरिया खुर्द गांव में आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार धर्मपाल पर कम गल्ला देने और कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की कई बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत जिलाधिकारी से करनी पड़ी। इससे पहले कोटेदार की लिखित शिकायत कई बार डीएसओ, उप जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से कर चुके हैं। कार्रवाई न होने पर कोटेदार हरिजन एक्ट की धमकी देता है और गल्ला देने से इनकार कर देता है। यही नहीं, नया राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 1500 रुपए की अवैध धन उगाही भी की जा रही है। पीलीभीत के खेड़ा मोहल्ले में घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। घर में मगरमच्छ देखकर घर वालों के होश उड़ गए। गांव वालों ने आनन फानन में वन विभाग को मामले की सूचना दी। वन विभाग की टीम गांव पहुंची, मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और नदी में छोड़ दिया। श्रावस्ती के कजड़वा गांव में गांव के बाहर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शव लगभग 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।